रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे परदेसी भाई जी, खासकर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, एक न्यूज़ सामने आई है जी। मैं आपको साथ में ये दिखा रहा हूँ, मैं पढ़कर आप भी खुद भी देखने, पढ़कर सुना देता हूँ। मैं सऊदी अरब में ये बंगाली एक घर में काम कर रहा था, इनकी औरतों को वॉशरूम में झांकता था, इसलिए इस औरत ने इसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर हुई है, मेरे पास भी व्हाट्सएप के ऊपर शेयर हुई है, एक नहीं कुछ 10 वीडियो 10 जगहों से मेरे पास शेयर हुई है, भाई ये वाकया हो गया, भाई ये वाकया हो गया। तो देखें, मैं आपको शॉर्ट सी एक वीडियो में इसके मतलब शॉर्ट सी तफसील बता देता हूँ मैं, कि ये वाकई सऊदी अरब। नंबर 1 तो ये बिल्कुल जी मैगजीन ही खाली कर दी गई है इस बेचारे के ऊपर, इसको मार दिया गया है। और मैं शायद आपको एक आध वीडियो क्लिप या पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं दिखा सकता, यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। अच्छा, बहरहाल नंबर 2 ये है कि ये जो हाथ आ रहा है, कुछ भाई मुझे बोल रहे थे ये खातून का भाई हाथ लग रहा है, तो हो सकता है यार किसी खातून का हो, लेकिन मुझे नहीं लगा है। ब्रेसलेट पहनी हुई है और ब्रेसलेट मर्दों जैसी है, औरतों जैसी नहीं है, तो गोल्ड की है वैसे। अच्छा, बहरहाल ये वाकया सऊदी में पैसे पेश आया, यहाँ कुछ भाई ये भी बोल रहे हैं जी ये इंडिया का है जी, केरला का, क्या वहाँ पर पेश आया या क्या मसला था। नंबर 1 ये मैं आपको शॉर्ट सा ये बता दूँ, सुन लें, सऊदी अरेबिया में आप या कोई भी बंदा किसी भी खातून को हरासा करता है, यानी कि उसको छेड़ता है, देखता है, या उसके साथ कोई भी किसी किस्म की बदतमीजी करता है, उस सूरत में वो औरत फौरन मौके के ऊपर शुर्तों को बुलाकर उसको पकड़वा सकती है। ठीक है जी, औरत के कहने के ऊपर शुर्तें उसको पकड़ कर ले जाएंगे। अगर आपके साथ भी अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाकया बन जाए, तो सुन लें, आप शुर्तें खाने में जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपसे वो पूछेंगे जी, हाँ, आपने बोलेंगे जी मैंने कुछ नहीं किया, वो औरत बोले किसने किया, वो जब औरत को बोलेंगे फिर कि आप सबूत लेके आओ। मिसाल के तौर पर किसी वीडियो रिकॉर्डिंग में, जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है, आप किसी वीडियो में कोई वीडियो रिकॉर्ड हुई है आपको छेड़ते हुए इसकी। अच्छा, नंबर 2 ये, वीडियो रिकॉर्ड अगर नहीं हुई है तो 2 गवाह चाहिए, कितने 2 गवाह, उसमें ना बहन, ना भाई, ना वालदा, ना वालद, ना कोई अजीज़ रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, बाहर के 2 गवाह चाहिए। आप वो औरत अगर 2 ऐसे गवाह लेकर आती है तो फिर आपको भाई सज़ा हो सकती है, वरना आपको छोड़ दिया जाएगा। ये सऊदी अरेबिया का रूल है, मैं आपको वाजिया बता रहा हूँ, चाहे कोई गैर मुल्की है चाहे कोई सऊदी है। ठीक है जी, अच्छा अभी बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के मतलब, सॉरी। अच्छा, बात ये है कि ये वाक्य पेश आया, भाइयों ने बोला सऊदी वाक्य पेश आया, वाशरूम में कुछ सऊदी खवातीन थी, उनको ये झांकता था ऊपर से, तो वो सऊदी खातून जो बाहर निकली है गुस्से से, उसने रिवॉल्वर पकड़ा है और इसको पूरी मैगजीन खाली कर दी है, इस बेचारे को मार दिया। अच्छा, हुआ कुछ यूँ, मैंने कुछ ऐसे देखा कि भाई ये केरला का वाकया सऊदीया का सऊदीया का नहीं है। नंबर 1 तो ये सऊदी में वाकया भाई पेश नहीं आया है। ठीक है, किसी भी मोतबर अदारे से, किसी भी ऐसे न्यूज़ चैनल से कहीं भी ये वीडियो शेयर नहीं हुई है, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर हो रही है। नंबर 2, ये वाकस एक इंडिया में भी पेश नहीं आया जी, इंडिया के मतलब भी झूठ बोली जा रही है। अभी की जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये वाकया भाई ब्राज़ीलियन शहर या ब्राज़ील किसी कंट्री वगैरह में ऐसे वहाँ पर पेश आया। और मेरा ये, मैं ये आपको मेरा ये, मैं ये बात बोलता हूँ आपके साथ कि यार इसमें हमारा कोई लेन देन हो ही नहीं सकता है, ये मुजरम होगा, इसको पकड़ने के लिए गए होंगे, कोई मामला बना होगा, बस ऐसे को मामला बन गए। हाँ, अगर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से या सऊदीया से रिलेटेड कोई बात होती तो फिर हम इसके ऊपर बहस भी करते। तो अभी ये वाकया किसी और कंट्री में पैदा हुआ है, इसको सऊदी अरेबिया से जोड़ना ये खामखा हमाकत है और कुछ भी नहीं है।